हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे, सब लोगों को वुइंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बट आई प्रॉमिस इस पार्ट को पूरा सुनने के बाद आपको रिलीफ फील होगा, तो इस पार्ट को पूरा सुनिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वुइंग से कह देता है, मेरे पास और भी ज़रूरी काम है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वुइंग एक बार फिर दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। वो धीरे धीरे अब एक यंग मैन के पास आता है जिसने वाइट रोब्स पहने हुए थे और उसे आईयूएन बुलाता है। वुइंग उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम तो और भी बड़े हो गए हो सुजुए। सुजुए जेंटली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं केवल 2 महीने के लिए गया हुआ था। वुइंग कहता है, हाँ लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम पहले से लंबे हो गए हो। मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम हंगुन चुन से भी लंबे हो जाओगे। वुइंग को आज भी याद था जब आईयूएन एक छोटा सा बेबी था। उसे दुख था इस बात का कि वो इतने सालों तक आईयूएन को ग्रो करते हुए नहीं देख पाया था और अब आईयूएन एक अडल्ट मैन बन चुका था और वो खुद वर्ल्ड ट्रैवल पे निकल सकता था। 13 साल का सेपरेशन उन दोनों के बीच बहुत लंबा था, पर इन 6 सालों में आईयूएन और वुइंग एक बार फिर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। आईयूएन वुइंग और वांगजी को अपने पेरेंट्स की तरह देखता था। सुजुए वुइंग से पूछता है, क्या आपको पता है कि फादर कहाँ हैं? वुइंग कहता है, लंचा, क्या वो तुमसे अभी तक नहीं मिला है? सुजुए कहता है, नहीं, वो हमेशा मुझे एंट्रेंस पर ही मिला करते थे, पर आज वो एंट्रेंस पर नहीं थे तो मुझे लगा शायद वो बिजी रहे होंगे। सुजुए के कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशंस वुइंग को दिल में चुभ रहे थे। वो जल्दी से फेक स्माइल अपने फेस पर लेकर आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुजुए को पता चले कि उसके और लंजा के बीच में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो सुजुए को डराना नहीं चाहता था और ना ही वो चाहता था कि सुजुए को किसी भी तरीके की चिंता हो। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारे फादर आजकल वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मैं उनसे बात करूँगा, मैं श्योर हूँ कि वो तुरंत तुमसे मिलने आ जाएंगे, आज रात को डिनर हम साथ में ही करेंगे। सुजुए हाँ कर देता है और मुस्कुराने लगता है। अब वुइंग सीधा वांग जी के ऑफिस जाता है क्योंकि ये मैटर सीरियस था, अब उसे अपने हस्बैंड से बात करनी ही थी। वो सीधा वांग जी के ऑफिस में जाकर कहता है, आज तुम सुजुए को वेलकम करने के लिए भी नहीं गए? वुइंग इस बार गुस्सा नहीं था बल्कि वो अपसेट था, निराश था और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज था। वो वांग जी से कहता है, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? वांग जी अपना पेन नीचे रखता है और वुइंग की तरफ देखता है, उसके फेस पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था। वो वुइंग से कहता है, तुम मेरे वर्क टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हो। वुइंग इस बार चिल्लाते हुए कहता है, भाड़ में जाए तुम्हारा वर्क, तुमने सुजुए तक को वेलकम नहीं किया लंजा, क्यों? वांग जी एक काम वॉइस में रिप्लाई करता है, क्योंकि मुझे कोई रीजन नहीं दिखा। वुइंग कहता है, कोई रीजन नहीं दिखा? वो तुम्हारा सन है लंजा, आज तक जब भी वो अपने ट्रैवल से वापस लौटा है तुमने हमेशा उसे वेलकम किया है। वांग जी उसकी तरफ एक कोल्ड लुक देता है और वुइंग से कहता है, उसे वेलकम करना मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, सुजुए एक एडल्ट है और उसके वेलकम के लिए मेरा या सेट लीडर का एंट्रेंस पर मौजूद होना कोई ज़रूरी नहीं है। वुइंग अब उससे कहता है, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है लंजा। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ ही देखता रहता है। शुरुआत में वुइंग को लग रहा था कि वांग जी अब उससे प्यार नहीं करता, पर अब सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि वांग जी ने कभी भी अपने भाई को सेट लीडर नहीं कहा था और सुजुए के लिए ऐसे शब्द नहीं कहे थे। वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ जो सही है और लॉजिकल है। विंग एक बार फिर उसे गुस्से में कहता है, सुजुए के सामने ये सब शब्द कहना भी मत, वो तुमसे बहुत प्यार करता है लंचा, अगर वो सुनेगा कि तुमने उसके लिए ऐसे कोल्ड शब्द कहे हैं तो उसका दिल टूट जाएगा। आज रात को वो हमारे साथ डिनर करने के लिए आएगा तो प्लीज़ वहाँ आ जाना। ऐसा कहकर वुइंग वहाँ से चला जाता है, पर उस रात वांग जी डिनर पर नहीं आया था। वुइंग ने सुजुए के सामने ये बात हंसी में टाल दी थी और उससे कहा था कि लंजा के पास सच में बहुत सारा काम है, पर उसने सुजुए के लिए अपना प्यार भेजा है। सुजुए इस बात से कन्विंस्ड नहीं था, पर वो और कुछ कह भी नहीं सकता था। उस रात दोनों ने बिल्कुल साइलेंटली डिनर किया था क्योंकि उन दोनों के ही दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिसिंग था। अगले दिन वुइंग सोच लेता है कि वो पता करके रहेगा कि लंजा के साथ हुआ क्या है, और वो सीधा लाइब्रेरी चला जाता है जहाँ वो एक बुक निकालता है जिसमें हर तरीके के कर्ज के बारे में लिखा हुआ था।
अगर लंजा को सच में किसी तरीके का कर्ज दिया गया है तो ये बुक उसकी पक्का मदद कर सकेगी। बुक्स में काफ़ी तरीके के कर्ज के बारे में लिखा हुआ था और फाइनली वेइंग को वो कर्ज मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। लव कर्ज, ये एक ऐसा कर्ज था जिसमें किसी पर्सन को फोर्स किया जा सकता है प्यार करने के लिए, तो वहीं उसे प्यार भुलाने के लिए भी फोर्स किया जा सकता है। वेइंग ने उस कर्ज के अकॉर्डिंग ईजिली एक तालिस्मान ड्रॉ किया और उस रात उसने वांगजी के सोने का इंतज़ार किया। क्योंकि अब रात के वक्त वांगजी उसके साथ कडल नहीं करता था तो वेइंग बेड में हो या ना भी हो वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वेइंग ने प्रिटेंड किया कि वो देर रात तक अपने प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा है। वांगजी के सोने के बाद वेइंग एक घंटा और इंतज़ार करता है। अब वांगजी जब गहरी नींद में था, फाइनली वेइंग उस तालिस्मान को वांगजी की बॉडी पर अप्लाई कर देता है, पर तालिस्मान वैसे का वैसा ही था और एक्टिवेट नहीं हुआ था। वेइंग अपनी आंखें बंद करता है और वांगजी की वार्म बॉडी के पास ही लेट जाता है, यानी अभी उसे और पता करना था कि ये किस तरीके का कर्ज होगा। वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रहा था, वांगजी की वार्मथ को, उसके प्यार को मिस कर रहा था। वो वांगजी को वापस चाहता था, वही वांगजी जो उसके लिए काइंड था, जेंटल था, जो उसे शाय फील करवाता था, कंफर्ट फील करवाता था। यही सब सोचकर वेइंग उस डार्क नाइट में वांगजी के कान के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें मिस करता हूँ लंजा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वो वांगजी के स्लीपिंग फेस की तरफ देखता है। वांगजी को कर्ज लग चुका था, वो वेइंग से इतना बुरा भला कह चुका था, पर अभी भी वांगजी इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल था। वेइंग स्लोली अपना हाथ उठाकर वांगजी के वार्म चीक्स पर रखते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। अगले दिन से वेइंग ने अपनी रिसर्च और बढ़ा दी थी। अभी वो इस बात पर भी श्योर होना चाहता था कि लंजा को सच में कोई कर्ज लगा है या लंजा के अंदर किसी तरीके की घोस्ट या स्पिरिट है जो बहुत पावरफुल है। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वेइंग इस बात के लिए केयरफुल था कि लंजा को इस बारे में बिल्कुल पता ना चले, क्योंकि अगर ये खबर फैल जाती कि लंगवांगजी के ऊपर कोई साया है तो वो एक खतरे में पड़ सकता था। वेइंग पहले की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ निभा रहा था, उसने बस अब लाइब्रेरी में डेली रिसर्च करना शुरू कर दिया था। रिसर्च के थ्रू उसे काफ़ी तरीके के लव कर्सेस के बारे में पता चला। वो डेली हर रात वांगजी पर एक नया तालिस्मान ट्राई करता, पर उनमें से कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। एक दिन वेइंग बुक को बार बार रीड कर रहा था और मन में सोच रहा था, मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ है जो मुझसे छूट रही है। एक बात श्योर थी कि वांगजी को बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड कर्ज दिया गया है, और कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो इतना बहादुर नहीं हो सकता जो हंगुनजुन को कर्ज दे सके। जिसने भी कर्ज दिया है उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होगी इस कर्ज के बारे में। वेइंग खुद से कहता है, अगर उसकी ये कर्ज वाली थ्योरी काम नहीं करती है तो वो स्पिरिट्स वाली थ्योरी पर काम करेगा। हालांकि वो चाहता था कि ऐसा ना हो, वांगजी के ऊपर कोई साया ना हो, वरना वो उसके लिए बहुत खतरा बन सकता था, उसके हस्बैंड को हर्ट कर सकता था, जो वेइंग बिल्कुल नहीं चाहता था। उस रात वो फिर से एक तालिस्मान ट्राई करता है और फिर से फेल हो जाता है। अगले दिन वेइंग कैजुअली ही वांगजी से पूछता है, लंजा, लास्ट टाइम जब तुम नाइट हंट पर गए थे तो तुम्हारे साथ कौन कौन से डिसिपल्स थे। वांगजी उसे कहता है, लैन चोयिंग, लैन शाओलिन और लैन जान लियांग। वेइंग ने शुरुआत की पहले दोनों कल्टीवेटर्स के नाम तो सुने थे, ये बेस्ट फीमेल कल्टीवेटर्स थी, पर वो तीसरे नाम को नहीं जानता था। वांगजी वेइंग से कहता है, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। वेइंग कहता है, मैं नाइट हंट पर जाने के बारे में सोच रहा था, पर मुझे पता है कि तुम तो बहुत बिजी हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी किसी डिसिपल के साथ ही चला जाऊँ। वेइंग ऐसा झूठ कहकर मुस्कुराने लगता है। वांगजी भी आंसर से कन्विंस्ड लग रहा था, क्योंकि उसके बाद उसने वेइंग से कुछ नहीं पूछा था। वेइंग को अब डाउट होने लगता है कि क्या उस नाइट हंट पर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वांगजी का बिहेवियर ऐसा हो गया है। अगले दिन वो गोसुलैंड के उस जगह जाता है जहाँ सारी फीमेल डिसिपल्स रह रही थी। वो लैन चुनियन और लैन शाओलिन की तलाश में लग जाता है, जो लैन क्लैन की बेस्ट फीमेल कल्टिवेटर्स हैं। वो दोनों मैरिड थी। वेइंग ने उन्हें केवल दो बार ही देखा था, एक बार नाइट हंट के वक्त और एक बार उनकी वेडिंग के वक्त। फाइनली एक कल्टिवेटर के थ्रू वेइंग को उन दोनों का रूम मिल जाता है। रूम में लैन शाओलिन थी, जो वेइंग को देखकर कहती है, विभूषण, क्या तुम हमें ढूंढ रहे थे। वेइंग कहता है, हाँ।
तुम और तुम्हारी वाइफ लैन चुयन को क्या मैं तुम दोनों से बात कर सकता हूँ? लैन शाओलिन उसे हाँ कर देती है और उसे अपने घर में अंदर चलने के लिए कहती है। वुयिन कहता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इस तरह तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं बस तुमसे लंजा के साथ हुई रीसेंट नाइट हंट को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। लैन चुयिन कहती है, हम तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे विभूषण, पर हम ऑलरेडी सस्पेक्ट कर चुके हैं कि तुम्हारे क्वेश्चंस किस बारे में होंगे। वुयिन सरप्राइज्ड होते हुए दोनों की तरफ देखता है और उनसे पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? लैन चुयिन कहती है, तुम यहाँ लैन जानलियांग को लेकर क्वेश्चंस करने आए हो ना? वुयिन को याद आता है कि वांग जी ने जो तीसरी कल्टीवेटर का नाम कहा था वो यही था। वुयिन कहता है, प्लीज़ मुझे बताओगे कि नाइट हंट पर क्या हुआ था? क्या लंजा हर्ट हो गया था? वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है। लैन चुयिन कहती है, आपने हमारा जवाब नहीं दिया। अगर आप लैन जानलियांग की वजह से यहाँ नहीं आए हैं तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? वुयिन एक गहरी सांस लेता है क्योंकि वो अपने और वांग जी के बीच की टेंशन के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी वांग जी को लेकर बुरा सोचे, पर क्योंकि उसे लग रहा था कि इन दोनों कल्टीवेटर्स पर विश्वास किया जा सकता है और शायद यही दोनों उसकी मदद कर सकती हैं। ऐसा सोचकर वो उन दोनों से कहता है, कुछ हफ्तों से मुझे लग रहा है कि लंजा पर किसी चीज़ का असर हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कोई कर्ज है या किसी तरीके की आत्मा है। वो कोल्ड हो गया है, इमोशन लेस हो गया है। वो अपनी फैमिली के साथ बातें नहीं करना चाहता और ऐसा लगता है जैसे वो अब हमसे प्यार नहीं करता और ना ही हमारी परवाह करता। प्लीज़ आप लोग गलत मत समझना, लंजा की हमेशा एक रेपुटेशन रही है। वो बहुत ही प्रॉपर है और लोगों से दूरियां ही रखता है। वो लोग जो लंजा से नहीं मिले हैं उसे अच्छे से नहीं जानते। उन्हें तो लगता होगा कि लंजा ऐसा ही है, कोल्ड और लोगों की परवाह ना करने वाला। पर मैं जानता हूँ कि लंजा बहुत पोलाइट है। अगर वो किसी से प्यार करता है तो बहुत गहरा प्यार करता है। वो अपनी फैमिली की बहुत परवाह करता है। वो हमेशा आज तक मेरे साथ था, सिजुई के साथ था और अपने ब्रदर के साथ था। पर अब वो अपने ब्रदर को विजिट तक नहीं करता। वो हर वक्त अपने काम में लगा रहता है, सिजुई से मिलने के लिए नहीं जाता और मुझे भी बहुत कोल्डली ट्रीट करता है। ये लंजा नहीं है, ये मेरा लंजा नहीं है। एक सेकंड के लिए उन दोनों लेडीज़ को ऐसा लग रहा था जैसे वुयिन रो पड़ेगा। वुयिन एक गहरी सांस लेता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि यह किसी तरीके का कर्ज है या पोजेशन है, पर उसका ऐसा बिहेवियर तब से ही हुआ है जब से वो नाइट हंट से लौटा है। आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे बताइए कि क्या उस दिन कुछ ऑड या अनयूजुअल हुआ था। वो दोनों वुमेन कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहती हैं और फाइनली उनमें से एक लैन शाओलिन कहती है, मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हारे हस्बैंड की कंडीशन ऐसी हो गई है। आई होप कि वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएं। और रही हमारे नाइट हंट की बात, तो उस दिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ था और ना ही कोई इंजर्ड हुआ था। हम लोगों ने विलेजर्स की मदद की और उसके बाद हम वापस आ रहे थे, पर शायद कुछ ऐसी बात है लैन जानलियांग को लेकर जो हमें आपको बतानी चाहिए। वुयिन कहता है, आप ऑलरेडी उसका नाम दो बार ले चुके हैं, क्यों? लैन चुयिन कहती है, हमें तो यही लगा था कि आप यहाँ उसके बारे में ही पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि उसकी और हंगुन चुन की हिस्ट्री रह चुकी है। वुयिन कहता है, हिस्ट्री? कैसी हिस्ट्री? लैन शाओलिन कहती है, लैन जानलियांग हमारी ही एज का है, वो बस हंगुन चुन से थोड़ा ही छोटा है। एक समय था जब वो हमारा फ्रेंड हुआ करता था। लैन जानलियांग को हंगुन चुन से प्यार हो गया था। ऐसा कहकर लैन शाओलिन वुयिन की तरफ देखती है कि शायद वुयिन को जेलसी होगी, पर वुयिन को जेलसी नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि हंगुन चुन के साथ किसी को भी प्यार हो जाएगा। थाउजेंड्स लोग होंगे जो उसे प्यार करते होंगे। वुयिन पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? लैन शाओलिन कहती है, उन दोनों ने साथ में कुछ समय के लिए काम किया था। लैन जानलियांग और हंगुन चुन कुछ रिपोर्ट्स पर काम करते थे और नाइट हंट पर भी जाया करते थे। हंगुन चुन की तरफ से ये रिलेशनशिप केवल वर्क रिलेटेड ही थी, पर शायद लैन जानलियांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगने लगा कि हंगुन चुन उसे पसंद करते हैं। वो हंगुन चुन को प्रपोज करना चाहता था। उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ मैं नहीं जानती, पर अचानक से उन दोनों ने साथ में वर्क करना बंद कर दिया था। लैन जानलियांग पूरी तरीके से हंगुन चुन को इग्नोर करता था और उनसे बात नहीं करता था, बल्कि कभी अगर हंगुन चुन की बातें भी होती तो वो उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स कहता रहता था।
वो यही कहता है तो क्योंकि लंचा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, सडनली वो लंचा से नफरत करने लगा। उसकी फीलिंग्स इतनी जल्दी बदल गईं, इसका मतलब उसकी फीलिंग्स बिल्कुल भी गहरी नहीं थी। हर किसी के पास हक है रिजेक्ट करने का, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी। विंग को बुरा लग रहा था लंजा के लिए कि उसने अपना एक दोस्त खो दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। लैन चोइंग कहती है, ऑनेस्टली हमें लगा था कि ज़रूर कुछ बड़ा हुआ होगा। लैन जियालिंग इतना अपसेट कभी नहीं रहा है, पर क्योंकि अब हम उसके उतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं तो हम शायद उसके करेक्टर को मिसजज भी कर रहे हों। विंग कहता है, इसका मतलब लास्ट जो नाइट हंट हुआ है वो काफ़ी टेंस रहा होगा। लैन शाओलिन कहती है, हाँ। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं था, हांगुनजिन उसे इग्नोर कर रहे थे, पर लैन जियांगलियन एक मौका नहीं छोड़ रहा था उन्हें इंसल्ट करने का, उनके लिए मीन कमेंट्स करने का। हांगुनजिन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि कोई उसके लंजा को इंसल्ट कर रहा था, उसके लिए मीन कमेंट्स कर रहा था। विंग अब उन दोनों से पूछता है, क्या लैन जियांगलियन इतना केपेबल हो सकता है कि वो लंजा को कर्ज दे सके। वो दोनों इस बात पर साइलेंट रहती हैं। लैन चोइन कहती है, हम इस बारे में श्योर नहीं हैं क्योंकि लैन जियांगलियन के साथ हमारा कांटेक्ट अब नहीं है। जिस लैन जियांगलियन को पास्ट में हम जानते थे वो शायद ऐसा नहीं करता, पर अब जब वो हांगुनजिन के मुंह पर उनकी इंसल्ट कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। विंग कहता है, थैंक यू सो मच आप लोगों की मदद के लिए, अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। लैन शाओलिन कहती है, हमें खुशी है कि हम आपके काम आ सके, आगे भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर कहना, हम प्रॉमिस करते हैं कि इस इश्यू के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे। विंग उन दोनों की तरफ मुस्कुराता है और लैन जियांगलियन से बात करने के लिए निकल जाता है। लैन जियांगलियन क्लाउरसिस के दूसरी साइड पर रहता था। विंग जब उसके पास जाता है, जियांगलियन के फ्यूरियस एक्सप्रेशन देखकर ही वो समझ गया था कि कुछ तो गलत है। वो विंग को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है, मैं लास्ट नाइट हंट को लेकर तुमसे कुछ बात करना चाहता था जिसमें तुम मेरे हस्बैंड के साथ थे। लैन जियांगलियन अपने काम में लग जाता है और विंग से कहता है, क्यों, ये एक नॉर्मल नाइट हंट था, इसमें आपको क्या बात करनी है। विंग कहता है, लंचा ने भी मुझसे यही कहा था, पर मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल नाइट हंट नहीं था, मेरे हस्बैंड पर किसी बुरी आत्मा का साया जो आ गया है। उस नाइट हंट के बाद से ही वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था। लैन जियांगलियन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि नाइट हंट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विंग कहता है, क्या सच में, मैंने तो सुना है कि तुमने मेरे हस्बैंड को इंसल्ट भी किया था। लैन जियांगलियन अब गुस्से में कहता है, मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जाऊँगा। लैन जियांगलियन कहता है, तो तुम मुझे यहाँ हैरिस करने के लिए आए हो। विंग हंसते हुए कहता है, मुझे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है, मैं यहाँ तुमसे बस बात करने के लिए आया था, पर जब से तुमने मुझे देखा है तुम बहुत ही इम्पोलाइट बिहेव कर रहे हो, जैसे कि तुम मुझे अंदर ही अंदर नापसंद करते हो। अब वो लैन जियांगलियन के नज़दीक जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब मुझे सच सच बता दो कि तुमने मेरी लंजा के साथ क्या किया है। लैन जियांगलियन हंसते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत से लोग हैं जो तुम्हें नापसंद करते हैं, शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। विंग कहता है, ये बात बिल्कुल सच है, पर यहाँ मैं एक सिचुएशन लेकर आया हूँ, मेरे हस्बैंड को किसी ने एक कर्ज दे दिया है, ऐसा कर्ज जिससे वो अपने लव्ड वन से प्यार करना ही भूल गया है, वो उनके लिए कोल्ड हो गया है और उनसे दूर जाता जा रहा है। लास्ट नाइट हंट पर तुम उसके साथ थे और उसे इंसल्ट करना बंद नहीं कर पा रहे थे, और एक समय था जब तुम उसे इतना पसंद करते थे कि उसे प्रपोज तक करना चाहते थे। लैन जियांगलियन इस पर एकदम शांत रह जाता है। विंग कहता है, इतने सालों बीत चुके हैं जब लंजा ने तुम्हें रिजेक्ट किया था, पर अभी तक तुम अपने मन में उसके लिए नफरत रखे बैठे हो, क्या तुम किसी और पर्सन को नहीं ढूंढ सकते। लैन जियांगलियन कहता है, अपना मुंह बंद रखो। विंग कहता है, वरना तुम क्या करोगे, मुझे भी कर्ज दोगे। ऑनेस्टली तुम एक बहुत बुरे एक्टर हो, लैंस एक्ट में तो ये रूल है ना कि तुम झूठ नहीं कह सकते, फिर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे कह रहे हो। इस बात पर लैन जियांगलियन कह ही देता है, हाँ दिया है मैंने तुम्हारे हांगुनजिन को कर्ज, तो क्या हुआ, वो यही डिजर्व करता है। विंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो कोल्डली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हांगुनजिन ये डिजर्व करता है, तुमने उसकी बॉडी उसके माइंड के साथ वॉयलेट किया है,
तुमने उसका प्यार उससे छीना है। एक क्लियर माइंड के साथ वो ये सब कभी नहीं करता। ऐसा उसने क्या किया है जो वो ये डिजर्व करता है? लैन जांगलिंग कहता है, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम मर चुके थे, तुम उसे पीछे छोड़ गए थे। मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारे अंदर देखा क्या, तुम्हारे जाने के बाद उसने कितना सफर किया था। तब सिर्फ मैं उसके साथ था, मैंने उसकी परवाह की, सिजुई का ख्याल रखा, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुम मर चुके थे फिर भी वो तुमसे प्यार करता आया। तुम हंगुनजिन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते वेवुशन। विंग उसका जवाब देते हुए कहता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि लंजा अपनी लाइफ किस तरीके से जीना चाहता है। वो जिसको भी प्यार करे, जिसके भी साथ रहना चाहे, ये उसकी लाइफ है। तुम कोई नहीं होते उससे उसका हक छीनने वाले जस्ट बिकॉज उसने तुम्हें प्यार नहीं किया। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को रिलीफ फील हुआ होगा ये जानकर कि हमारा लांगवांग जी बदला नहीं है बल्कि उसे कर्ज दिया गया है। फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।